दोस्तों स्वागत है आपका फिल्म हाइलाइट्स में। गाइस ये वीडियो मैंने स्पेशली रवि किशन जी के फैंस के लिए बनाया हुआ है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रवि किशन जी ने ये बात का खुलासा किया है कि बहुत ही जल्द उनका ब्लॉकबस्टर फिल्म महादेव का गोरखपुर फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। और ये फिल्म कोई छोटी मोटी फिल्म नहीं है, बल्कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में रिलीज होगा। मतलब कि ये पैन इंडिया मूवी होगा, जिसे अब तक का भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट फिल्म माना जा रहा है। आपको बता दें कि रवि किशन जी ने इस बात का भी खुलासा किया है कि ये फिल्म करीब 5 लैंग्वेजेस में रिलीज होगा। भोजपुरी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ सहित 5 भाषाओं में ये रिलीज होने वाला है। इस फिल्म को बहुत ही भारी बजट में बनाया जा रहा है। मतलब इस चीज से एक बात तो साफ है कि ये फिल्म अब तक का भोजपुरी का सबसे बेस्ट साबित होने वाला है, क्योंकि अब तक का सबसे बड़ी बजट वाला फिल्म है ये। और आज तक किसी भी भोजपुरी फिल्म को इतने वाइड ऑडियंस के लिए तैयार नहीं किया गया है। मतलब वो सिर्फ भोजपुरी में ही बनते थे और जो कि भोजपुरी दर्शकों के लिए ही होते थे। तो ये पैन इंडिया लेवल का फिल्म होने वाला है, मतलब पूरे इंडिया में इसको लोग देखेंगे। और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात और इंटरेस्टिंग बात तो ये है दोस्तों कि इस फिल्म में ना सिर्फ भोजपुरी कलाकार शामिल है, बल्कि इस फिल्म में रवि किशन जी के साथ साउथ के भी बहुत बड़े एक्टर एंड एक्ट्रेसेस काम करने वाले हैं। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से भी कई सारे कलाकारों का इस फिल्म में साथ देखने मिलेगा। आपको बता दें कि 60% से अधिक कलाकार यहां पर स्थानीय लोग होंगे। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को रोजगार और अभिनय को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि दक्षिण भारत की टीम यहां पर आकर काम करेंगे। गोरखपुर के पूर्वांचल के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा है कि रीजनल फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण जल्द होगा। तो दोस्तों ये न्यूज पाने के बाद आप कितने एक्साइटेड हो? जैसे इस फिल्म के बारे में और भी अपडेट्स आएंगे, हम आपको तुरंत ही इसके अपडेट शेयर करेंगे इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल फिल्म हाइलाइट्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।